नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं शपथ लेती हूं को लेकर महा कवरेज के न्यूज पर लगातार जारी है। बड़ी खबर है दिल्ली से, द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे। इस वक्त की आम जानकारी आपको बता रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू को 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी द्रौपदी मुर्मू, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे शपथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर इतिहास रचने जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगी, तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज का दिन बेहद अहम भारत के इतिहास में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे द्रौपदी मुर्मू को, और द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगी। कुछ ही देर में पद की शपथ ग्रहण करेंगी। महामहिम की शपथ से जुड़ी हर तस्वीर के न्यूज आपको दिखाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी भी संसद भवन पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज शपथ ग्रहण करेंगी। बस थोड़े ही देर के बाद शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी और वो ऐतिहासिक घड़ी बस आने वाली है, जब द्रौपदी मुर्मू देश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाएंगे, ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कुछ ही देर में मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण कर लेंगी। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर आपको राष्ट्रपति भवन के बाहर की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर के न्यूज आपको दिखा रहा है। क्लास मॉनिटर से सुप्रीम कमांडर तक हर एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे के न्यूज पर। और आज का दिन भारत के इतिहास में बड़ा दिन है, क्योंकि आदिवासी समाज की एक महिला देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। जी हां, शून्य से लेकर शिखर तक का सफर यादगार रहेगा द्रौपदी मुर्मू का। लंबा संघर्ष भरा जीवन, वो महिला जो अपने समाज में सबसे पहले शिक्षा और विकास की बात को उठाती है, वो महिला आज देश की पहली महिला बनने जा रही है, यानी देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है। और उसकी सीधी तस्वीरें के न्यूज आप तक लगातार दिखा रहा है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पद की शपथ द्रौपदी मुर्मू ग्रहण करेंगी। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहे हैं। थोड़ी ही देर में द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह, कुछ मिनटों का वक्त अब शेष रह गया है। अनेकता में एकता भारत की पहचान है। देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के तौर पर कार्यरत हो जाएंगी और शून्य से लेकर शिखर तक का यादगार सफर द्रौपदी मुर्मू का रहा है। इतिहास के पन्नों में आज वो अंकित हो जाएगा और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, और साथ ही साथ आदिवासी समाज की पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी। यानी ये वो खास बातें हैं जो आपको हम द्रौपदी मुर्मू के बारे में बता रहे हैं, ये वो चीजें हैं जो द्रौपदी मुर्मू के बारे में खास हैं। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर आप समझ सकते हैं इन कदमों की जो आहट है, वो लगातार यहां पर आगे बढ़ती हुई देश की ऐतिहासिक घड़ी वो आ चुकी है, जब द्रौपदी मुर्मू आज शपथ ग्रहण करेंगी। थोड़ी ही देर में, कुछ मिनटों का वक्त बस शेष बचा है, और जब द्रौपदी मुर्मू नव निर्वाचित राष्ट्रपति बन जाएंगी और राष्ट्रपति पद की शपथ आज ग्रहण करेंगी द्रौपदी मुर्मू। आम जानकारी और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। भारत के इतिहास में आज का दिन अंकित किया जा रहा है। बेहद खास ये दिन होगा, क्योंकि आज देश की राष्ट्रपति बनेंगी, शपथ ग्रहण करेंगी राष्ट्रपति पद के तौर पर द्रौपदी मुर्मू। आदिवासी समाज से आती हैं, संघर्ष भरा लंबा जीवन रहा है, बहुत कुछ खोया, लेकिन शून्य से लेकर शिखर तक आज वो पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रपति भवन के ये दरवाजे खुले हुए हैं और इन्हीं दरवाजों से भीतर प्रवेश करेंगी द्रौपदी मुर्मू और आज शपथ ग्रहण करेंगी। ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सभी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। आज का दिन बेहद खास भारत के इतिहास में और आज द्रौपदी मुर्मू। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कार से बाहर आते हुए द्रौपदी मुर्मू और इन दरवाजों से भीतर प्रवेश करेंगी राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें हैं। ये भवन अब उनका इंतजार कर रहा है। अब तक आपको बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, लेकिन अब यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू रहेंगी, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में आज उनका स्वागत हो रहा है। ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, बेहद खास ये तस्वीरें हैं। आप समझ सकते हैं ये वो भारत देश है जहां पर आदिवासी समाज की एक महिला देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान होने जा रही है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति भवन के भीतर की ये तस्वीरें हैं। 21 तोपों की सलामी यहां पर राष्ट्रपति को दी जाएगी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और अनेकता में एकता, देश में पहली आदिवासी महिला, यहां पर आप देखिए उन्हें सलामी दी जा रही है।
तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर इन सीढ़ियों पर आगे बढ़ते हुए देश की नव निर्वाचित होने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगे बढ़ रही हैं और राष्ट्रपति भवन की ये सीढ़ियां उनका इंतजार कर रही थी। नव निर्वाचित राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगी द्रौपदी मुर्मू, तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और इसी पर आज हम विस्तार से बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ में दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, जो तस्वीरें हैं वो बेहद भव्य हैं, बेहद खास हैं, क्योंकि भारत के इतिहास में ये तस्वीरें आज बिल्कुल साफ तौर पर अंकित हो जाएंगी, ये दिन अंकित हो जाएगा, क्योंकि ये वो भारत है जहां पर अनेकता में एकता की हम बात करते हैं और आज उसी भारत देश में आदिवासी समाज की एक महिला देश की पहली महिला बनने जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू का जीवन संघर्ष से भरा रहा है, चाहे उनके हस्बैंड की जो मृत्यु हुई थी उसकी बात करें या उनके बेटे की जो मृत्यु हुई थी उसकी बात करें, और महज जो खासकर उड़ीसा का गांव मयूरभंज, आधे लोगों, बहुत सारी ऐसी आबादी है अगर उड़ीसा के लोगों को छोड़ दे जिन्हें इसका नाम भी नहीं पता होगा, और ऐसी जगह से निकल के आ रही है, और 340 कमरों का राष्ट्रपति भवन, यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस जगह पर रहेंगे, जो कि 320 एकड़ में फैला हुआ है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। और फिलहाल वे राष्ट्रपति भवन में मौजूद है, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जो है कि जो वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, वो लगातार ना सिर्फ उन्हें रिसीव करने आए, बल्कि जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत अंदर लेके गए, बाकायदा उनका स्वागत किया गया। स्वागत के साथ अगर बात करें तो जो राष्ट्रपति का खासतौर पर ड्राइंग एरिया या तमाम जो चीजें होती है उन्हें एक एक करके रूबरू कराया गया। अभी भी पूरा राष्ट्रपति भवन जिसकी हम बात करें, पूरा काम जो है, पूरा भवन जो है, वो रामनाथ कोविंद ने उन्हें नहीं दिखाया है, क्योंकि 10:15 का जो टाइम रखा गया है वो सेंट्रल हॉल में, जहां सीवी रमन्ना उन्हें शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति भवन, और उसके बाद जब शपथ हो जाएगी और उसके बाद जब वे राष्ट्रपति भवन वापस आएंगी तो एक बार फिर रामनाथ कोविंद जो है वो पूरे राष्ट्रपति भवन का उन्हें विस्तार से उसकी जानकारी देंगे, और दूसरी चीज 21 तोपों की सलामी जो है वो उन्हें दी जाएगी। अभी तक जो एक रिकॉर्ड रहा है, खासतौर पर जब अंग्रेजी शासन काल था उस समय से ये परंपरा चली आ रही है, और कहा यह जाता है कि जब अंग्रेजों का कोई चांसलर या उस तरह की कोई चीजें होती थी तो उन्हें ज्यादा तोपों की सलामी दी जाती थी, 100 तोपों की 101 तोपों की, इस तरह से। और जब भारतीय कोई राजा जाता था तो उसकी अलग अलग चीजें जो होती थी कि उन्हें किस तरह से कितनी तोपों की सलामी दी जाए। पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें 31 तोपों की सलामी दी गई थी, और उसके बाद ये डिसाइड किया गया था कि स्वतंत्र भारत में अब जब भी कोई प्रधानमंत्री होगा तो उसे 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, और यहाँ भी वही चीज देखने को मिली। और क्योंकि दिल्ली का मौसम खासतौर से कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में व्यवधान बनने की कोशिश कर रहा था, और यही बड़ी वजह थी कि सुबह जब 8:30 का जो कार्यक्रम था कि जब उन्हें राजघाट जाना था महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन, राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने से, और ऐसे में वो उससे पहले ही वहां पे जाती है और श्रद्धा सुमन वहां पे अर्पित करती है मान खासतौर पर राजघाट पे, तो इस चीज को समझा जा सकता है। और जो राष्ट्रपति भवन में छोटा सा कार्यक्रम था वो भी मौसम की वजह से आउटडोर का कार्यक्रम रेस्ट करके इनडोर किया गया, पार्लियामेंट कंधा भी शपथ ग्रहण समारोह होगा, और जब शपथ ले लेंगे उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है तमाम खासतौर चीजें, शपथ लेने के बाद न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि जो केंद्रीय कैबिनेट है तमाम लोगों से भी मुलाकात करेंगी, विपक्ष के तमाम नेताओं से भी मुलाकात करेंगी। जी बिल्कुल, यानी बेहद खास आज का दिन है अमित जी, और तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं एक तरफ स्क्रीन पर जहां पर आज का दिन बेहद खास है और के न्यूज पर इतिहास बनते हुए अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। अगर बात करें, देखिए आपने काफी इतिहास के बारे में भी अभी यहां पर अमित जी हमें बताया कि किस तरह से खास होगा, लेकिन अब तक रामनाथ कोविंद का जो कार्यकाल रहा बेहद अहम उपलब्धियां रही इस दौरान में, आज का दिन इस लिहाज से भी खास है कि बहुत पहले ये बात कही गई थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तक ने कहा था कि जिस दिन कोई आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बन जाएगी उस दिन लगेगा कि देश में आरक्षण नहीं होना चाहिए, उस दिन यह बात लोगों के मन में बैठ जाएगी कि हाँ इस देश में सब कुछ संभव है, अगर आप में जज्बा है, आप में कुछ खास है तो आप सर्वोच्च पद पर तैनात हो सकते हैं, और आज मुझे लगता है वो दिन बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नजर नहीं आती, भले ही तमाम दल जो है वो खासतौर पर इसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसे देखे, लेकिन सबसे बड़ी चीज की जब बीजेपी की तरफ से एनडीए कैंडिडेट के रूप में द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया तो उसके बाद विपक्ष के तमाम दलों के इस तरह के बयान आए
कि अगर इस तरह का कैंडिडेट घोषित करना था तो पहले ही हमें बता दिया होता, ताकि हम यशवंत सिन्हा को समर्थन नहीं करते और यशवंत सिन्हा को शायद राष्ट्रपति चुनाव के लिए मैदान में नहीं उतारा जाता। तो इस तरह के तमाम बयान जो है वो हमें देखने को मिले, और न सिर्फ उनकी जीत के लिए क्रॉस वोटिंग हुई बल्कि तमाम ऐसे दल थे जो कि जब यशवंत सिन्हा का नाम घोषित हो रहा था विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में तब उनके साथ थे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के आने के बाद उन्होंने खुला अनाउंसमेंट कर दिया कि वे द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर रहे हैं। चाहे वो जेएमएम की बात करें, हेमंत सोरेन जिनकी झारखंड में सरकार चल रही है, या हम बीजेडी की बात करें, या हम तमाम अन्य दलों की बात करें, या हम असम में तमाम जो विपक्ष है उसकी हम बात करें, तो तमाम लोग ऐसे थे। और खासतौर पर ये भी वजह देखने को मिली कि जिन लोगों ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन भले ही फ्रंट डोर पे ला किया हो, उस तरह से ला किया हो, लेकिन उसके बाद में भी उन्हें वोट किया, और यही बड़ी वजह थी कि 17 विपक्षी सांसद और 104 बिल्कुल बिल्कुल अमित जी बेहद खास दिन है और अहम जानकारी आप पहुंचा रहे, लेकिन आपके पास वापस लौटेंगे उससे पहले कुछ तस्वीरें भी हम दिखाएंगे जहां पर शपथ ग्रहण लगभग शुरू होने को है और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा प्रमाणित करता है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2022 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के आषाढ़ मास के 30वें दिन भारत के राष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गई हैं। भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2022 के जुलाई मास के इस 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के आषाढ़ मास के 30वें दिन प्रदत्त किया गया। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर देश की नव निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ ग्रहण कर चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने उन्हें शपथ दिलाई है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर सभी फॉर्मेलिटीज को लगभग कंप्लीट किया जा रहा है और आपने देखा किस तरह जोरदार तालियों के साथ में यहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है, क्योंकि ये भव्य दिन अब इतिहास के पन्नों में अंकित हो जाएगा और देश के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है जब मुर्मू पहली आदिवासी महिला के तौर पर इस देश की राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण कर ली है, देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन चुकी हैं, शपथ ग्रहण कर चुकी हैं और मुर्मू पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो भारत देश की ये नई तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर
पहली आदिवासी महिला और दूसरी महिला राष्ट्रपति के तौर पर अब द्रौपदी मुर्मू कार्यरत हैं। ये बड़ी खबर और सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचने का ये सफर भी आप टीवी पर देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी बड़े गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। शपथ ग्रहण कर चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देश बदल रहा है, आज की ऐतिहासिक तस्वीर के न्यूज पर आप देख पा रही हैं। तो 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू शपथ ग्रहण कर चुकी हैं और अब देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी महिला पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति महोदया, आपका आदेश हो तो आपके पद ग्रहण की उद्घोषणा की जाए और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। इसकी सूचना प्रमुख सेना केंद्रों तथा विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों, राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों क्षेत्रों के प्रशासकों को भेजी जाए। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भी सूचना तथा आवश्यक आदेश जारी करने हेतु भेजा जाए। श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना जी, सम्मानित सांसदगण, अन्य महानुभवों, देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करता हूं। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जो हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपने स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जो देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। इस ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आज़ाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में अमृत काल की सिद्धि का रास्ता दो पटरी पर आगे बढ़ेगा। सबका प्रयास,
और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। कल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को तथा देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और सुजन, मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। हमारा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब व का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। मेरे इस निर्वाचन में पुराने लीक से हटकर नए रास्ते पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। ऐसे प्रगतिशील भारत का नेतृत्व करते हुए आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं आज समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे। देवियों और स्वजन, मेरे सामने भारत के राष्ट्रपति पद की ऐसी महान विरासत है जिसने विश्व में भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का निरंतर मजबूत किया है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर श्री रामनाथ कोविंद जी तक अनेक विभूतियों ने इस पद को सुशोभित किया है। इस पद के साथ साथ देश ने इस महान परंपरा के प्रतिनिधित्व का दायित्व भी मुझे सौंपा है। संविधान के आलोक में मैं पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगी। मेरे लिए भारत के लोकतांत्रिक सांस्कृतिक आदर्श और सभी देशवासी हमेशा मेरे ऊर्जा के स्रोत रहेंगे। देवियों और स्वजन, हमारे संविधानिक संग्राम में, स्वाधीनता संग्राम में एक राष्ट्र के तौर पर भारत की नई यात्रा की रूपरेखा तैयार की है। हमारा स्वाधीनता संग्राम उन संघर्षों और बलिदानों की
अविरल धारा है जिसने आजाद भारत के लिए कितनी ही आदर्शों और संभावनाओं की सींचा था। पूज्य बापू ने हमें स्वराज, स्वदेशी, स्वच्छता और सत्याग्रह द्वारा भारत के सांस्कृतिक आदर्शों की स्थापना का मार्ग दिखाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनगिनत स्वाधीनता सेनानियों ने हमें राष्ट्र के स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की शिक्षा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई, रानी बेलू निचियार, रानी गायदिनलू और रानी चेन्नीमा जैसी अनेकों वीरांगनाओं ने राष्ट्र इच्छा और राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका को नई ऊर्जा दी है। संथाल क्रांति, पाइक क्रांति से लेकर कोल क्रांति और भील क्रांति ने स्वतंत्रोत्तर संग्राम में आदिवासी योगदान को और सशक्त किया। सामाजिक उत्थान एवं देश प्रेम के लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान से हमें प्रेरणा मिली थी। मुझे खुशी है कि आजादी की लड़ाई में जनजातीय समुदाय के योगदान को समर्पित अनेक म्यूजियम देश भर में बनवाया जा रहा है। देवियों और स्वजन एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में 75 वर्ष में भारत ने प्रगति के संकल्प को सहभागिता एवं सर्वसम्मति से आगे बढ़ाया है। विविधताओं से भरे अपने देश में हम अनेक भाषा, धर्म, संप्रदाय, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाजों का अपनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में सक्रिय है। आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर आया है अमृत काल, भारत के लिए नए संकल्पों का कालखंड है। आज मैं इस नए युग के स्वागत में अपने देश को नई सोच के साथ तत्पर और तैयार देख रही हूँ। भारत आज हर क्षेत्र में विकास का नया अध्याय जोड़ रहा है। कोरोना महामारी के वैश्विक संकट का सामना करने में भारत ने जिस तरह का सामर्थ्य दिखाया है उसने पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाया है। हम हिंदुस्तानियों ने अपने प्रयासों से न सिर्फ इस वैश्विक चुनौती का सामना किया बल्कि दुनिया के सामने नई मापदंड भी स्थापित की। कुछ दिन पहले भारत ने कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ डोज लगाने का कीर्तिमान बनाया। इस पूरी लड़ाई में भारत के लोगों ने जिस संयम, साहस और सहयोग का परिचय दिया वो एक समाज के रूप में हमारी बढ़ती हुई शक्ति और संवेदनशीलता का प्रतीक है। भारत ने इन मुश्किल हालात में न केवल खुद को संभाला बल्कि दुनिया की मदद भी की। कोरोना महामारी से बने माहौल में आज दुनिया भारत को नए विश्वास से देख रही है। दुनिया की आर्थिक स्थिरता के लिए, सप्लाई चेन की सुगमता के लिए और वैश्विक शांति के लिए दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। आगामी महीनों में भारत अपनी अध्यक्षता में G20 ग्रुप की मेजबानी भी करने जा रही है। इसमें दुनिया के 20 बड़े देश भारत की अध्यक्षता में वैश्विक विषयों पर मंथन करेंगे। मुझे विश्वास है भारत में होने वाले इस मंथन से जो निष्कर्ष और नीतियां निर्धारित होंगे उनसे आने वाले दशकों की दिशा तय होगी। देवियों और स्वजनों, दशकों पहले मुझे रायरंगपुर में श्री अरविंद इंटीग्रल स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था। कुछ ही दिनों के बाद श्री अरविंद जी की
150वीं जन्म जयंती मनाई जाएगी। शिक्षा के बारे में श्री अरविंदो के विचारों ने मुझे निरंतर प्रेरित किया है। जन प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए और फिर राज्यपाल के रूप में भी मेरा शिक्षण संस्थानों के साथ सक्रिय जुड़ाव रहा है। मैंने देश के युवाओं के उत्साह और आत्मबल को करीब से देखा है। हम सभी के श्रद्धेय अटल जी कहा करते थे कि देश के युवा जब आगे बढ़ते हैं तो वे सिर्फ अपने ही भाग्य नहीं बनाते बल्कि देश का भी भाग्य बनाते हैं। तो द्रौपदी